व्यास नारायण भगवान कहते हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद व्रत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत कथा का जो सार है, वृक्षों का सार क्या है? वृक्षों का सार उसका रस है। शास्त्रों का सार भागवत है। दूध का सार जिस प्रकार से घी है, मक्खन है, उसी प्रकार सभी ग्रंथों का सार है श्रीमद् भागवत। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे। व्यास नारायण ने लिखा कि यह निगम कल्प तरोर गलितम फलम, या पका हुआ निगम कल्प तरोर, कल्प वृक्ष का, पुराने कल्प वृक्ष का निगम अर्थात शास्त्रों का, शास्त्र रूपी या पुराना फल है पका हुआ, जिसे सुखदेव जी ने चोंच मारी है अर्थात तोता की चोंच लगी हुई है। कहते हैं कि तोता जिस फल को चोंच मारता है मीठा हो जाता है, तो वह चोंच से शोधित भी है। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा, पिबत रसमालयम, इसे निरंतर पीते रहो, निरंतर पीते रहो। इस प्रकार श्री व्यास जी नारायण कहते हैं, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में श्री सूत जी और सौनकादिक ऋषियों के प्रश्न है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसका क्या कर्तव्य है। कलयुग में मनुष्य को अधिक समय ना मिल पाएगा अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए, दुखों को निवारण करने के लिए उसे क्या करना चाहिए। इन सभी बातों पर सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किए। द्वितीय अध्याय में भक्ति का महात्म्य बताया गया है, भक्ति का महत्व क्या है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति का स्वरूप पहले जानते हैं। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति जो है स्वतंत्र है और सकल गुणों की खान है, अर्थात जो भगवान का भजन करता है, जो भगवान की भक्ति को धारण करता है, उसमें पूर्ण सद्गुण स्वतः आ जाते हैं। जिस प्रकार के पृथ्वी में यदि कहीं गड्ढा खुदा हुआ है, जब बरसात होती है तो वह स्वतः भर जाता है, ठीक इसी प्रकार भक्ति जो है एक ऐसा भगवान का गुण है कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, सभी सदगुण उसमें स्वतः आ जाते हैं। समिट समिट जल भरहि तलाबा, जिम सदगुण सज्जन पहियावा। वह भक्ति का महत्व है।